पूरी दुनिया में इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, पर इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ भी काफी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। हर बीतते दिन के साथ कोरोना और भी भयावह होता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा 30 लाख के करीब पहुँच चुका है। कोरोना वायरस का जानलेवा संक्रमण अब दुनिया की सबसे ऊँची जगह यानी की एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुँच चुका है। खबरों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में एक पर्वतारोही जिनका नाम एयरलैंड नेस बताया जा रहा है, वो संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए काठमांडू के एक अस्पताल में ले जाया गया। नेस ने कल यानी कि 23 अप्रैल को मीडिया एजेंसी को जानकारी देते हुए बताया कि 15 अप्रैल को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 22 अप्रैल को एक और टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और अब नेपाल में एक स्थानीय परिवार के साथ रह रहे हैं। इस मामले पर बात करते हुए एक गाइड जिसका नाम ऑस्ट्रियन लुकास फर्न बैश है, उसने इस वक्त को संकट का प्रतीक बताया और चेतावनी देते हुए कहा कि हमें फिलहाल इमरजेंसी हालात में बेस कैंप में बड़े पैमाने पर जांच करनी चाहिए, जिसमें जल्द से जल्द सभी की जांच होनी चाहिए। अगर सबकी जांच का तुरंत एहतियाती कदम नहीं उठाए गए तो बेस कैंप में मौजूद हजारों पर्वतारोहियों गाइड सहायकों में कोरोना वायरस फैल सकता है। वहीं इस मामले पर नेपाली पर्वतारोहण अधिकारी और पर्वतारोहण विभाग में निदेशक मीरा आचार्य ने कहा कि उन्हें कोरोना के मामलों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, हालांकि यहां केवल निमोनिया और ऊंचाई की बीमारी जैसी बीमारियों की रिपोर्ट है। साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस समय पहाड़ों पर कोई भी सक्रिय मामले थे। आपको बता दें कि दुनिया के इस सबसे ऊंचे शिखर के बेस कैंप में कोरोना संक्रमण का ये पहला मामला सामने आया है। नेपाल ने इस साल 377 विदेशी पर्वतारोहियों को चढ़ाई की अनुमति दी है, जबकि इस हिमालयी देश में बीते 24 घंटे के दौरान 3,117 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 5 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही देश में कोरोना की दूसरी लहर में पिछले 24 घंटों में कुल 3,45,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कोरोना के मामले बेहद चिंताजनक है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर बताई जाती है, लेकिन साल 2020 में नेपाल और चीन ने इसे 1 मीटर बढ़ाकर 8,849 मीटर होने की बात कही थी।